दोस्तों कुशल पहेलिया पार्ट 4 में आपका स्वागत है। अगर बाकी वीडियो आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कुशल और उसके मॉम डैड उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। वो इधर उधर घूमते हैं और अचानक उनके सामने एक बड़ा सा पत्थर आता है। पत्थर के आगे दो बॉक्स है, एक ग्रीन कलर का है एक पिंक कलर का, और उन्हें रखने का स्थान पत्थर के अंदर है, जिसमें एक पत्थर के स्थान पर आग रखा है और एक पे बर्फ। एक बॉक्स में आग है और एक में बर्फ है। कुशल उसे खोल के नहीं देखता, वो बॉक्स खुलते नहीं है। कुशल को कैसे पता चलेगा किसके अंदर आग है और किसके अंदर बर्फ है? अगर आग के बॉक्स को आग के स्थान पे नहीं फिट किया गया, बर्फ के स्थान पे फिट कर दिया गया, तो वो हमेशा के लिए यही कैद हो जाएगी अगर उल्टे टके गई। दोस्तों कुशल थोड़ी देर सोचता है और पता लगा लेता है कि कौन से बॉक्स के अंदर आग है और कौन से बॉक्स के अंदर बर्फ, और उन्हें अपने सही स्थान पर फिट कर देता है और उनको आगे जाने का रास्ता खुल जाता है। अपना आंसर कमेंट करें, आपके पास 15 सेकंड का समय है। और इसके में चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। आपका आंसर कमेंट जरूर करिए, हर व्यक्ति का कमेंट अलग होगा। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि आपके सब्सक्राइबर इतने कम क्यों हैं, तो मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि प्रकृति का नियम है, शेर बहुत ही कम होते हैं। अगर शेर अधिक हो गए तो बाकी जनसंख्या नहीं बच सकती। दोस्तों आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट जरूर करें, क्योंकि हर में व्यक्ति का अलग आंसर होता है। दोस्तों जिस बॉक्स में बाहर से गर्म है उसके अंदर आग है, और जो बॉक्स बाहर से ठंडा है उसके अंदर बर्फ है। कुशल पहले ग्रीन बॉक्स को हाथ लगाता है जो कि गर्म है, उसके अंदर आग है, वो आग के स्थान पर फिट कर देता है, और दूसरा पिंक बॉक्स ठंडा है उसे बर्फ के स्थान पर फिट कर देता है और आगे का रास्ता खुल जाता है। दोस्तों कुशल और उसके मॉम डैड आगे चलते हैं। कुशल थोड़ा जल्द चलता हुआ आगे चला जाता है और कुशल के पीछे अचानक एक बड़ा सा सांप लग जाता है। सांप कुशल के पैरों को सूंघता हुआ उसके पीछे पीछे जाता है उसकी सूंड से। कुशल आगे जाता है तो सांप भी उसके पीछे जाता है। जिस तरह कुशल मुड़ता है सांप भी उसी प्रकार मुड़ता है। दोस्तों कुशल सांप से कैसे बचेगा, हमें अपने आंसर कमेंट करके बताइए। आपके पास 15 सेकंड का समय, अधिक समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। दोस्तों सांप पैरों की सुगंध को सूंघते हुए व्यक्ति का पीछा करता है, और कुशल अगर व्यक्ति एक स्थान पर बार बार घूमे तो सांप उसका पीछा नहीं कर पाएगा, वो नहीं जान पाएगा कि व्यक्ति किस तरफ गया है। कुशल भी उसे उसी के पास पड़े एक पत्थर के चारों ओर बार बार घूमता है, इससे सांप उसके दो चारों ओर घूमता रहता है और अंत में वापिस चला जाता है और कुशल बच जाता है। और उसके माता पिता आगे जाते हैं तो वन का रास्ता समाप्त हो जाता है और आगे सन रेगिस्तान आ जाता है। कुशल के सामने तीन पशु है, नंबर 1 घोड़ा, नंबर 2 ऊंट और नंबर 3 हाथी। दोस्तों कुशल इनमें से किस पशु से के ऊपर चढ़कर रेगिस्तान पार करेगा, मैं अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपके पास 15 सेकंड का समय, अधिक समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कुशल क्या चुनेगा इनमें? दोस्तों कुशल इनमें ऊंट चुनेगा, क्योंकि रेगिस्तान का जहाज ऊंट है। रेगिस्तान में ऊंट सबसे तेज चलता है और वो बिना पानी के 7 दिन के रह सकता है, क्योंकि रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता। इसलिए कुशल ऊंट चुनेगा, जबकि घोड़ा भला ही तेज भागता हो लेकिन वो रेगिस्तान में ज़्यादा जल्दी नहीं जा सकता और कुशल ऊंट भी जाकर सवार हो जाता है। कुशल और उसके माता पिता 7 दिन तक चलते हैं, फिर भी रेगिस्तान पार नहीं होता है। उसके पास जो भी खाना पीना था वो सब समाप्त हो जाता है और ऊँट भी प्यासे हो जाते हैं। अंत में उनका ऊँट चलना बंद कर देता है। थोड़ी ही देर में कुशल को सामने एक घास दिखती है और कुशल कहता है कि वह हमें पानी ज़रूर मिलेगा। दोस्तों कुशल घास को देख के कैसे कह सकता है कि वहाँ पे पानी है? कुशल किस
आधार पर कह सकता है कि पानी है। अपना अपना आंसर कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके पास 15 सेकंड चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारा उत्तर देखने से पहले अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। दोस्तों, कुशल को ज्ञात था कि घास बिना पानी के नहीं उगती। इससे कुशल और उसके पिता जाते हैं और घास के आसपास के क्षेत्र में गड्ढे खोदते हैं। कुशल के पिता और कुशल की मुंह मार मान जाते हैं अंत में, और वो कहते हैं पानी नहीं मिलेगा। कुशल आखिरी दम तक कोशिश करता है और कुशल को अचानक पानी मिल जाता है। कुशल अपने ऊँटों को फैलाता है तो अपने मोम डैड को भी पिलाता और खुद भी पीता है पानी। कुशल और उसके माता पिता आगे का सफर तय करते हैं। कुशल आगे चलता है, अचानक रेगिस्तान में एक बहुत बड़ा गड्ढा आता है और कुशल उसके अंदर घिस जाता है। कुशल के माता पिता वहीं कुशल को बाहर निकालने के लिए उसके पास जाते हैं कि अचानक एक बहुत बड़ा राक्षस आता है और उन्हें उठा के ले जाता है। दोस्तों, कुशल गड्ढे से बाहर कैसे निकलेगा हमें अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपके पास 15 सेकंड का समय अधिक समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों, कुशल गड्ढे के पास की रेत यानी कि गड्ढे के आसपास की रेत अपने चारों ओर की रेत धीरे धीरे अपने हाथों से गड्ढे के अंदर डालता जाता है और वो ऊपर आता जाता है और गड्ढा भी चौड़ा। कुशल गड्ढे से बाहर निकलकर आगे चलता है। आगे एक बहुत बड़ी खाई आती है, कुशल उसमें घिर जाता है। कुशल आगे खाई से नीचे इस प्रकार लटक जाता है और जिस रस्सी से कुशल लटका हुआ है उस रस्सी में आग लग चुकी है और नीचे पानी है। पानी के नीचे तलवारें बिछी हुई है और पानी के ऊपर एक मगरमच्छ चल रहा है। अगर कुशल रस्सी छोड़ दे तो कुशल तलवारों के अंदर घिर के मर सकता है। अगर मान लीजिए किसी तरह कुशल तलवारों से बच जाता है तो मगरमच्छ उसे खा जाएगा जिंदा। अब दोस्तों, कुशल कैसे बचेगा हमें अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मगरमच्छ हर 20 सेकंड में नदी के एक शोर से दूसरे शोर की ओर जाता है और कुशल जैसे ही नीचे रस्सी छोड़ेगा वो 10 सेकंड में पानी के अंदर आके गिरेगा। अब अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कुशल कैसे बचेगा। आपके पास 15 सेकंड का समय अधिक समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। अगर कुशल मगरमच्छ के ऊपर कूद जाए तो मगरमच्छ मर जाएगा तलवारों के ऊपर गिरते ही और कुशल भी बच जाएगा। अगर मगरमच्छ कुशल के जैसे ही नीचे आए वो कूदे तो कुशल 10 सेकंड का समय लगता है नीचे आने में और मगरमच्छ तब तक दूसरे शोर तक चला जाएगा और कुशल मर जाएगा इस प्रकार। तो दोस्तों, कुशल कैसे बचेगा अब तो उत्तर कमेंट कर दीजिए। चलिए, आप नहीं करते मैं बता देता हूँ। दोस्तों, कुशल नदी के बीचों बीच में लटका हुआ है और मगरमच्छ 20 सेकंड का समय लगता है तो ना मगरमच्छ जैसे इस शोर से रवाना होगा कुशल ऊपर से खींच जाएगा, छोड़ देगा रस्सी और मगरमच्छ 10 सेकंड में कुशल के पूरे एक नफसीन में आएगा और कुशल भी 10 सेकंडों में नीचे गिर जाएगा और मगरमच्छ मर जाएगा। चलिए अब आपका मेमोरी टेस्ट लेते हैं। दोस्तों, कुशल जिस रस्सी से लटका हुआ था नीचे मगरमच्छ थी, इन तीनों में से कौन सा मगरमच्छ था हमें अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सिंपल, इसमें 3 नंबर था। चलिए अब आपका आई टेस्ट लेते हैं। इस बटन पे क्लिक करें और इस बेल के आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू जिन्होंने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।